अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। और आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इसके अंदर हम लोग स्पैगेटीज़ बनाएंगे। पर आज की स्पैगेटीज़ में ख़ास बात यह है कि हम इनके नूडल्स घर पे बनाएंगे। जी बिल्कुल, घर पे बनाएंगे इसके नूडल्स। और इसके अंदर मैं आपको एक सीक्रेट दूंगी जिसकी वजह से, एक छोटा सा सीक्रेट जिसकी वजह से आपके नूडल्स का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाजार जैसे नूडल्स का होगा। सबसे पहले जी हमने एक कप जो है वो मैदा ले लिया है और उसके अंदर हमने एक टीस्पून सॉल्ट डाला है और तकरीबन 1/4 स्पून जो है वो हमने जर्दे का रंग लिया है और हमने दो जो है वो इसके अंदर जो है वो हमने अंडे डाल दें। उसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छे से जो है वो पहले आपने मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद आपने इसे जो है वो मैट के ऊपर जो है वो मैदा डस्ट करके तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो गूंद लेना है। और गूंदना किसे, हाथ की हथेली के साथ जो है वो आपने इसे अच्छे तरीके से रोल कर करके जो है वो आपने इसे गूंद लेना है। और जब मैं इसकी फाइनल प्रिपरेशन करूंगी तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से जो नूडल्स हैं वो बाज़ार के जो नूडल्स होते हैं, घर के अंदर जो नूडल्स होते हैं वो बहुत वाटरी से हो जाते हैं, तो बाज़ार वाले ऐसा कौन सा इन्ग्रीडियंट डालते हैं सॉस के अंदर जिसकी वजह से नूडल्स जो हैं वो बहुत ही परफेक्ट किस्म के जो हैं वो तैयार होते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा जर्दा रंग का जो पानी था ना वो ज़्यादा होने की वजह से मेरी डो जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, तो इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है वो थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करके, ड्राई फ्लोर डस्ट करके तो आप इसको गूंद सकते हैं। और उसके बाद आपने जो है वो इसे अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स के लिए आपने इसे कवर करके रख देना है और आफ्टर 15 मिनट्स जो है वो हम इसको फिर उसके बाद बेलेंगे और आगे का प्रोसेस जो है वो मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊँगी। ओके जी, अब 15 मिनट्स हो गए हैं। सबसे पहले आपने मैट जो भी आपने लेना है, आप कटिंग ट्रे लेना चाहते हैं, ट्रे लेना चाहते हैं, आपने सबसे पहले उसके ऊपर फ्लोर डस्ट करना है और फिर उसके बाद जिस तरीके से मैं इसको रोल कर रही हूँ उस तरीके से आपने इसको जो है वो रोल करना है। उससे होगा ये कि एक तो आपके जो नूडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और दूसरा इसको जो आगे जब हमने बेलना है तो इसकी जितनी ये डो अच्छे तरीके से गुई की जाएगी उतना ही अच्छे जो हैं वो नूडल्स जो हैं वो आपके बन के जो है वो तैयार होंगे। अच्छा, नूडल्स जो हैं मैंने थोड़े से चपटे रखे थे, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक बारीक जिस तरह आप जूलियन साइज अदरक काटते हैं उस तरीके से भी आप जो है वो इसकी कटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने पूरी की पूरी डो जो है वो उसको रोल कर लिया था एक पेड़े में और उसके दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करके इसको आपने बिल्कुल पेड़े की शक्ल दे देनी है। और तकरीबन 5 से 6 लोगों के लिए ये जो नूडल्स है ये काफ़ी हैं एक टाइम के ऊपर, इतने मतलब इस मटेरियल से 5 से 6 लोगों के नूडल्स जो हैं वो आराम से बन सकते हैं। और अगर आप जूलियन साइज के साइज़ में काटेंगे तो वो 5 से 6 लोगों के लिए इनफ है, वरना 2 लोगों के लिए, 2 से 3 लोगों के लिए ये इनफ है नूडल्स। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने इसको बेल लेना है, ना बहुत ज़्यादा आपने बारीक डो इसको बेलना है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा इसको जो है वो आपने हार्ड रखना है और आपने इसको फ्लोर डस्ट कर करके जो है वो आपने इसको बेलन के साथ जो है वो आपने बेलना है ताकि एक परफेक्ट किस्म की जो डो है वो आपकी जो है वो तैयार हो जाए। और उसके बाद जो है वो हमारा जो असल स्टेप आता है वो है इसको रोल करने का स्टेप, कि आपने इसको नूडल्स बनाने के लिए आपने इसको रोल किस तरीके से करना है।
ये देखिए जी, इसको अच्छे तरीके से हर तरफ से आपने जो है वो फ्लोर डस्ट कर करके, थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा मेहनत वाला काम है और मुझे खुद बहुत ज़्यादा इसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ रही थी। तो जितनी देर में मैं इसको बेल रही हूँ, आप जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये देखिए साथ साथ मैं इसको डस्ट करती चली जा रही हूँ। अच्छा, इसको डस्ट कर लिया, अब इसके बाद देखिए इसको रोल कैसे करना है। वन लेयर, उसके बाद उल्टा करके सेकेंड, फिर दोबारा टर्न करना है थर्ड, फिर उसके बाद आपने इसे रोल करना है फोर्थ, और फिर उसके बाद फाइनल। ठीक है जी, ये इसके ऊपर आपने रख लेना। तो ये इस तरीके से, और फ्लोर डस्ट करने से क्या होगा कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग जो हैं वो रहेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, एक कटिंग ट्रे लेंगे और अपनी वुडन जो भी आपकी वेजिटेबल कटिंग ट्रे है, कटिंग ट्रे जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर दिखाया था, आपने कटिंग ट्रे लेनी है और उसके बाद बहुत तेज़ नाइफ के साथ बारीक बारीक जो है वो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, जैसी रिक्वायरमेंट आपकी है। अगर आपको जूलियन साइज़ के अंदर चाहिए तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़े से चपटे वाले चाहिए तो वो भी आप जो है वो तैयार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने एक टीस्पून पानी डालकर जो है वो पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, और अब हम लोग बॉइलिंग वाटर के अंदर जो है वो नूडल्स डालकर जो है वो हम इसे बॉईल करेंगे। देखें जी, ये ज़बरदस्त किस्म के नूडल्स जो हैं वो इस तरह दोबारा से फ्लोर डस्ट करके, तो आपने नूडल्स जो है वो आपने तैयार करने हैं। इसे अच्छे तरीके से फ्लोर में डस्ट कर लीजिएगा, और अब मैं आपको लेंथ दिखाती हूँ कि नूडल्स की लेंथ जो है वो कितनी ज़बरदस्त आई है। ठीक है, तो ये आपके नूडल्स जो हैं ये तैयार हो गए हैं, अब इट्स रेडी फॉर बॉयल। ये देखिए जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारे नूडल्स, ये अब आप देख लीजिए इसकी लेंथ, और वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इस तरह बताया कि मैंने थोड़ा सा साइज़ जो है वो इसका बढ़ा रखा है, आप चाहें तो और ज़्यादा बारीक जो है वो इसको काट सकते हैं। ये सारा प्रोसेस हमने हाथ से किया, किसी किस्म की कोई मशीनरी हमने यूज नहीं की है। चलें जी, पानी हमारा बॉईल हो गया, पानी थोड़ा सा कम बॉईल था, आपने ज्यादा बॉईल करके जब उसमें बॉईल आने लग जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो नूडल्स जो है वो आपने इसमें शामिल करने हैं, और आपने इसे 2 to 3 minutes तक आपने कुक करना है नूडल्स डालने के बाद। इससे ज्यादा जो है वो आपने इसे कुक नहीं करना, नॉट मोर देन 3 minutes। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जितनी देर के अंदर ये बॉईल हो रहे हैं उतनी देर के अंदर मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी, अनियंस लिए थे मैंने, कैप्सिकम ली थी, कैरेट ली थी, जो है वो मैंने इसके बाद जो है वो नूडल्स को बॉईल करके, तो मैंने चीज़ें जो थी वो उतनी देर में मैंने वेजिटेबल्स जो थी वो प्रिपेयर कर ली थी, और कैबेज ली थी, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, और साथ ही मैंने इसके अंदर लिया था अनियन। ठीक है, अगर आपके पास ग्रीन अनियन है तो वेल एंड गुड, वरना तो सिंपल अनियन भी जो है वो चलेगा। उसके बाद जी नूडल्स हमारे बॉयल हो गए हैं 3 minutes में, और उसके बाद अब इसके अंदर हमने एक सेपरेट कढ़ाई ली है, उसके अंदर जो है वो हमने ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर हम लोग जो है वो सबसे पहले 1 tablespoon जिंजर डालेंगे, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने हाफ ब्रेस्ट पीस जो है वो हमने इसके अंदर डालना है, और फिर इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। और ये सारे का सारा प्रोसेस जो आपने नूडल्स बनाने का है, ये आपने मीडियम टू हाई फ्लेम जो होती है उसके ऊपर आपने जो है वो नूडल्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इसके अंदर जो तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत जल्दी कुक होने वाले हैं, और जब हम उन्हें ओवर कुक कर लेते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम मार्केट वाला टेस्ट नहीं आता है। उसके बाद जी 1 tablespoon जो है हमने लिया है जी, इसके अंदर 3 tablespoon जो है वो हम लोगों ने चिली सॉस डाली है, उसके बाद 2 tablespoon हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे, 2 tablespoon हम इसके अंदर वोचेस्टर सॉस डालेंगे, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसके अंदर हम लोग जो है वो ब्लैक पेपर डालेंगे। अगर आपके पास व्हाइट पेपर है तो 1 teaspoon आप व्हाइट पेपर भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ऑयस्टर सॉस यानी या डार्क सोया सॉस नहीं थी, अगर आपके पास वो मौजूद है तो 1 tablespoon आपने वो भी लाजमी इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। उसके बाद 1 tablespoon हमने इसके अंदर जो है वो विनेगर डालना है, क्योंकि चाइनीज़ के अंदर जो है वो मैं अभी आपको आगे चल के एक और टिप दूंगी, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल बाजार जैसा जो टेस्ट है वो मिलेगा। ठीक है जी, अब हमारा जो है वो चिकन जो है वो हमारा डन हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर ये देखिए, मैंने आपको वेजिटेबल्स बताई थी, सारी वेजिटेबल्स जूलियन कट के अंदर जो थी, और हमने इसको अगेन हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है, लो फ्लेम के ऊपर नहीं करना, वरना तमाम की तमाम वेजिटेबल्स आपकी सौगी हो जाएंगी और खाने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अब इसके बाद जो है वो आ जाता है जी सीक्रेट टाइम, यानी कि बाजार जैसा। अब बाजार में ये जो नूडल्स बनते हैं इसके अंदर जब ये सॉसेस ये लोग मिक्स करते हैं, इसके अंदर ये लोग 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। अब वो कॉर्नफ्लोर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि आप जब घर के अंदर नूडल्स बनाते हैं तो उसके अंदर जो वाटरी टेक्स्चर रहता है, कॉर्नफ्लोर क्या करता है, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और तमाम की तमाम जो सॉस है वो थिक होने की वजह से आपके तमाम नूडल्स
नूडल्स के साथ लग जाती है और आपको बिल्कुल बाजार जैसा जो है वो टेस्ट आता है। उसके बाद ये होगी टिप नंबर वन। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ा सा नूडल्स को डालने के बाद टिप नंबर टू कि आपने अगला जो टेस्ट है वो चाइनीज रेस्टोरेंट जैसा कैसे आपके घर के नूडल्स के अंदर आएगा। अच्छा जी, सॉसेस डाल दी हैं हमने। अब आप ये देखिए सारी सॉसेस वेजिटेबल्स के साथ लग गई हैं। अब हमने इसके अंदर नूडल्स ऐड किए हैं और अच्छे तरीके से नूडल्स को मिक्स करना है। उसके बाद अब जो अगली टिप है वो टिप ये है कि इसके अंदर हम लोगों ने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करनी है। शुगर और विनीगर जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन क्रिएट करते हैं चाइनीज़ के अंदर, जिसकी वजह से आपके घर के जो चाइनीज़ हैं उसके अंदर बाजार जैसा टेस्ट आएगा। आप चाहे मंचूरियन बना रहे हैं, चिकन ड्राई बना रहे हैं, अपना चिकन विद आलमंड बना रहे हैं, वाइट सॉस बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, चाइनीज़ के अंदर विनीगर आप लाजमी डालते हैं। इसलिए आपने अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो 1 टीस्पून कर लीजिए, वरना मैं 1 टेबल स्पून शुगर लाजमी चाइनीज़ कॉन्ट के अंदर डालती हूँ। तो आपके यमी और टेम्पटिंग किस्म के रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स जो हैं वो आपके तैयार हैं। और अब हम एक परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन वाली प्लेट के अंदर जो है वो इसको सर्व करेंगे। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर इस रेसिपी के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, यू आर फील फ्री टू आस्क। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मौजूद है आपके पास, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका वीडियो को पूरा देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।